हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में आपका क्वेश्चन करने वाले हैं आईआईटी जेई का। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल है सच्ची बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना आपकी केमिस्ट्री के, और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेंड कर सकते हो और फुल मार्क्स आ सकते हैं, गारंटेड। ओके, आओ देखें फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं। चलो अपनी इंक को जरा हम चेंज कर लेते हैं। यस, चलो ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसका एक मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8Cl2। ओके, ये आपका एम्पेरिकल टाइप का फॉर्मूला दे रखा है, इसको मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाने की कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है कि दैट बी, ये जो बी है आपका C4H8O, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिलामीन बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। भाई टॉलेंस टेस्ट का नाम आ गया, इसने बोला टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि टॉलेंस टेस्ट देगा कौन, है ना। सो आपका जो टॉलेंस टेस्ट होता है वो होता क्या है बेसिकली, आओ देखें टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। आओ दिखाती हूँ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले आपका जो बेटा टॉलेंस रिएजेंट होता है वो होता है अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात बता रही हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके पेपर में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सो आप अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट लिखो, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता। ओके, तो टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, और गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, विल हैव टू मेक श्योर कि यार आसान रहे हमारे लिए। सो दैट इज अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या है अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो तुम्हारा है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट हैज अ फॉर्मूला डायअमाइन सिल्वर। ओके, सिल्वर नाइट्रेट, इस पॉजिटिव को हटा दूंगी, NO3 लगा दूंगी, तो ये नाइट्रेट है, लेकिन आपकी जनरली बुक में यही लिखा होता है। ओके, सो ये है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये करता कैसे है, ये बेसिकली आपका जो एल्डिहाइड है, ठीक है, मैंने बनाया एल्डिहाइड, सो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये है क्या भाई, ये है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग, यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा सा। ओके, सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब है सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, इसने कर दिया ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। कैसे करेगा, देखो सिल्वर डायमीन लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज है इसके सर पे, अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके सर पे चार्ज जीरो होता है, तो सिल्वर के सर पे चार्ज कितना हुआ, +1 का। तो यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है, और वो भी 2 इक्विवेलेंट। ये भी पूछा जाता है बेटा कि आपके रिएक्शन में जब आपका अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा रहा था तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, तो आपके 2 मोल्स बन रहे हैं सिल्वर के, है ना, तो इसका मतलब 2 Ag+ आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और 2 Ag निकले होंगे, परफेक्ट। तो इसे ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका ITJ में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो सिल्वर अमोनियकल नाइट्रेट है ये वाला, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का पॉसिबल है, कीटोन्स का तो नहीं होता, तो टॉलरेंस टेस्ट देगा कौन, आपका एल्डिहाइड, और कौन नहीं देगा, कीटोन। तो हमें बोला है इसने दैट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, तो पक्का हो गया कि ये जो है वो है कीटोन, आपका जो बी है वो कीटोन है, ठीक है। सो यहाँ पे कीटोन कौन से हैं, एक ये वाला कीटोन है और एक ये वाला कीटोन है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, परफेक्ट, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं बस। अब कीटोन बनने का तरीका क्या है, हाइड्रोलिसिस डाल रखी है और C4H8Cl2 बोला है। एक चीज ध्यान रखो बेटा, जब भी 2 क्लोरीन होते हैं उससे एक ऑक्सीजन बन रहा होता है, तो पक्का वो क्लोरीन जो होते हैं वो एक ही कार्बन पे लगे होते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब 4 कार्बन मैंने बनाए, ठीक है, 2 चांसेस हैं, ये पूरा सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये कार्बन सेम, ये कार्बन सेम, ये दोनों आपस में सेम, तो
हो सकता है या तो क्लोरीन बिल्कुल आगे लगे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है जो दो क्लोरीन है वो बीच वाले कार्बन पे लगे हो, है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, चाहो तो बैलेंस कर दो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगी तो हाइड्रोलिसिस में डालते क्या है, वाटर विद एच प्लस, तो क्या होगा, ये जो सी एल है ये ओ एच से रिप्लेस हो जाएगा, तो एक सी एल को ओ एच से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से रिप्लेस कर दो। तो मैंने लिया ये ओ एच से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे क्लोरीन, और इस कंडीशन में भी मैंने लिया सी एच थ्री, सी एच टू, सी, यहाँ पे ओ एच, ये सी एल और ये सी एच थ्री, परफेक्ट, क्लियर है। अब क्या हुआ, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन आएगा, है कि नहीं, और डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन को बाहर लेके जाएगा। सेम इधर भी होगा, ऑक्सीजन आएगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। क्या दिख रहा है, इस कंडीशन में अगर ओ एच जाएगा क्लोरीन को बाहर निकालेगा तो बनेगा एल्डिहाइड, बनेगा कि नहीं एल्डिहाइड, देखो सी एच ओ बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे ये बना सी सी, तीसरा कार्बन, और डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, लास्ट में एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तुमने स्टार्टिंग में दिया, एंड में वापस तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो दूसरे केस में क्या बनेगा आपका, कीटोन, क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच टू, सी, डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, और हमने क्या बोला था, टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं देता, कीटोन नहीं देता, तो ये है तुम्हारा कीटोन, और तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब इसका नाम क्या है, प्रायोरिटी दो, क्लोरीन को दोगे ना भाई, 1 2 3 4, सो 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो कहीं दिख रहा है, अरे ये तो सामने ही दिख रहा है, तो तुम्हारा आंसर हो गया ये 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन एंड ब्यूटेन टू ओन। इट्स वेरी इजी था ना, इजी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ तुम्हें इतना आइडेंटिफाई करना था कि टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं देता। दूसरी चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी थी कि हाइड्रोक्सिलामीन की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों ही हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं पता हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कैसे कराते हैं, तो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जाओ उसे देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, देखना जरूर। ओके, बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर दो क्लोरीन हटके एक ऑक्सीजन आ रहा है तो वो पक्का दो क्लोरीन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, जेमिनल है भाई वो, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो देख लेना यार, क्या बोलूँ अब मैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।